नमस्कार, आप देख रहे हैं उद्घोष समय। मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। भारतीय किसान मित्र दीदी मजदूर संघ मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम संपूर्ण प्रदेश में जिला कलेक्टर के माध्यम से 25 मई को सौंपेंगे ज्ञापन। भारतीय किसान मित्र दीदी मजदूर संघ मध्य प्रदेश जिला सचिव घनश्याम शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 25 मई 2023 को संपूर्ण प्रदेश में किसान मित्र दीदी बहाली हेतु जिला कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। भारतीय किसान मित्र दीदी मजदूर संघ के जिला सचिव घनश्याम शुक्ला ने बताया कि किसान मित्र दीदी भारत सरकार की आत्मा परियोजना के तहत कृषि विभाग में पिछले 10 से 12 वर्षों से 6000 रुपए प्रतिवर्ष में कार्य कर रहे थे, परंतु मध्य प्रदेश में पूर्व की कमलनाथ सरकार ने पुलिस से कार्यरत किसान को किसान मित्र दीदी को भाजपा व संघ के लोग बताकर उनको 31/12/2019 को बाहर कर दिया। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री चौहान तथा केंद्रीय मंत्री भारत सरकार माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिले, तब उन्हें आश्वासन दिया गया प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही पूर्व के किसान मित्र दीदी को बहाल किया जाएगा। तत्पश्चात आज 3 वर्ष के लगभग का वक्त बीत चुका मध्य प्रदेश में भाजपा का सरकार बने हुए, लेकिन आज भी 27,000 किसान मित्र दीदी अभी तक बेरोजगार है। वहाँ आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में किसान मित्र 25 मई को संपूर्ण प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर पुनः बहाली हेतु निवेदन करेंगे। हम किसान मित्र दीदी आज बेरोजगार हैं, कृपया तत्काल बहाली हेतु आदेश प्रस्तावित कर उन्हें रोजगार दिलाने की कृपा करें। और इसमें 62% से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जिस दिन खेती का काम बंद हो जाएगा उस दिन तो इस देश में एक अलग माहौल पर खड़ा हो जाएगा। क्या करेंगे लोग? आज 100 में 60-65% लोग कृषि कार्य में लगे हुए। इतना बड़ा रोजगार देने वाला दूसरा कोई सेक्टर है ही नहीं, और आपकी भूमिका निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूं। और आपकी भूमिका, आपके द्वारा जो काम किए जाते हैं उसमें जो उपलब्धियां हैं, और मध्य प्रदेश का जैसे मैंने उदाहरण दिया है, तो मैं भारत सरकार को भी इससे अवगत कराऊंगा। आप सबने ये जो संगठन बनाया है, जो लड़ाई अपने अधिकारों के लिए आपने शुरू की है, इस लड़ाई के साथ मैं भी आपको अपने साथ जोड़ता हूं। मैं अपने स्तर से भी, सरकार के स्तर से इस पर अब चर्चा शुरू कराऊंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका जो अधिकार है वो मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि माननीय सांसद जी के पास समय बहुत कम है, मैं सभी कृषक संघ के अध्यक्ष महोदय, सभी ब्लॉक के सचिव महोदय से आग्रह करूंगा।